हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जे एन टी एक्सपेरिमेंट। आज मैं एक टॉय कार को, आरसी टॉय कार को मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस बिल कार में थोड़ा सा टाइम पर बंद हो जाता है, क्योंकि इसका जो बैटरी फंक्शन है वो बहुत चीप क्वालिटी का है। इसलिए मैंने इसको जो बैटरी फंक्शन था, ये 6 वोल्ट बैटरी था, इसके द्वारा ऑपरेट होता था, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं पिकअप देता था मोटर और अलग अलग फंक्शन। इसलिए मैंने इसको इधर से बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव को 12 वोल्ट में कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो 12 वोल्ट 6 वोल्ट में 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए इसका जो आरसी जो सर्किट रहता था उसको मैंने पहले 12 वोल्ट से 6 वोल्ट में कनेक्शन करना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी का जो फ्रंट साइड का जो हिस्सा है बोनेट, वो बोनेट निकलना पड़ेगा। सामने वाली बोनेट को निकल करके मैंने इस कंट्रोलर में एक स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा दिया, क्योंकि इस कंट्रोलर में मोटर जो अलग से सप्लाई जाता था रिले का माध्यम से, इसलिए मैंने इस सर्किट को जिधर से मेन सर्किट में पावर सप्लाई अलग से जाता था 6 वोल्ट और रिले का छोड़ के, उधर से मैंने एक बक कन्वर्टर लगा दिया, स्टेप डाउन बक कन्वर्टर। इसकी मदद से 12 वोल्ट से 6 वोल्ट, 7 वोल्ट मैंने रखा है, 12 वोल्ट से 7 वोल्ट करके, क्योंकि 7 वोल्ट इधर से पावर सप्लाई देता था और सब कुछ चल जाता था। इसलिए मैंने इधर वोल्टेज लगा दिया। तो स्टेप डाउन कन्वर्टर, इसको मदद से ऑल सर्किट एलईडी मॉड्यूल और ऑल सर्किट को इधर पावर मिल जा रहा है, क्योंकि इधर सब कुछ ही ठीक ठाक ही है। मैंने एक बोनेट फिर से इस बोनेट को लगा दिया। फुल वायरिंग करके और चार्जिंग सिस्टम भी अलग से दूंगा, क्योंकि 12 वोल्ट है ये, पहली बार 6 वोल्ट था। आपका सामने दिखा देता हूँ, ये सिग्मा का 12 वोल्ट 7.2 एम्पियर का बैटरी है, ये अच्छा से दिन से चलेगा। आपका सामने ही कनेक्शन देता हूँ, ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव का वाला कनेक्शन और ये है 12 वोल्ट का नेगेटिव वाला कनेक्शन। जब मैंने कनेक्शन दे दिया ऑलरेडी इधर पावर आ गया। आप इसका म्यूजिक का साउंड भी सुन सकते हो। और एक बात, अभी बोनेट भी खोल रखा है, आप देख सकते हो इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिखाई दे रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड काम कर रहा है और आपके सामने दिखाई देता हूँ, यह है स्टीयरिंग का। सब कुछ काम कर रहा है अच्छे तरीके से। आप भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम में आ गए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कैसे कैसे रिपेयरिंग करना पड़ेगा और इसका जो कंट्रोलर और आरसी प्रोडक्ट था मैंने पहले ही काम करके रखा था। ये बक कन्वर्टर में पावर आ गया और ये रिसीवर का
कनेक्शन था, ब्लैक लाइट रेड लाइट, इसको मैंने बाक कन्वर्टर से पावर दिया है इधर, और इसको मैंने दो तरीके से अलग किया है इस वाली सर्किट को, एक रिसीवर का कनेक्शन और एक रिले का कनेक्शन। जब मैंने फॉरवर्ड को दबाया रिले ऑन हो रहा है, बैकवर्ड को दबाया रिले दूसरी तरफ ऑन रहा है, इसलिए चल रहा है इस वाली कार को। रोड में चला चला करके दिखाऊंगा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।